हम थे जीरो पॉइंट पे, यहाँ पे हमने अभी कॉफी पी है और ये देखिए बादल, सड़क पे बादल आए हुए हैं और बूंदाबांदी चल रही है और ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन होती है इस जोजिला पे, क्योंकि ऊपर से पत्थर कभी भी गिर जाते हैं। बोले बाबा पार लगाइए। ये सबसे खतरनाक है यार, ये बारिश में जोजिला पार करना। और ये देखिए धुंध, देखिए जोजिला जोजिला जोजिला, पानी पानी हो रहा है जोजिला, बारिश के कारण नरक बन गया है ये रोड। जितने भी पासिस है अगर बारिश हो जाए ना और रोड अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो बहुत बुरा हाल होता है। कल भी हमें चांगला पास में यही सीन मिला था, कल तो बर्फबारी में फंस गए थे हम, आज ये बूंदाबांदी हो रही है। ये भी शुक्र है कि थोड़ी कम बूंदाबांदी हो रही है। ऊपर से पत्थर ना गिर जाए, बस भगवान बचाइयो। अभी आगे एक ग्लेशियर दिखेगा आपको, ये देखो ग्लेशियर, बर्फ। और अभी पहले दूसरे गियर में बाइक चला रहे हैं हम। ये लग रहा है 2-4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये यही खतरनाक स्ट्रेच है। आगे बहुत नैरो रोड हो जाएगी और वो सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। और ये जो चट्टान है, बड़ी भुरभुरी चट्टान है, ये देख लो रोड में भी बाइक हिल रही है, बैलेंस नहीं है इसमें। जो जिला जो जिला, और नीचे पूरा ग्लेशियर जमा हुआ है बर्फ से और ऊपर पूरे बादल आए हुए हैं रोड पे, भगवान बचाइए। क्रॉसिंग जोजिला पास, मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ दिस राइड टुडे राइड। जब ये टनल बन जाएगी एक तो आपका समय बच जाएगा, ऊपर से डेंजर खत्म हो जाएगा। ये तो पत्थर गिरा हुआ है यहाँ पे भी, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है यहाँ पे। ओहो फिसल गया, पूरा कीचड़ है कीचड़। नरक बन जाता है यार ये कीचड़ में, कीचड़ और ये पानी मिलके डेडली कॉम्बिनेशन। ये पहाड़ों को देखो कैसे काटा हुआ, क्या कटिंग करी गई। और ट्रक साले बीच में अड़े रहेंगे, अब ट्रक निकलने नहीं देंगे हमें। अरे ध्यान से ध्यान से, फर्स्ट गियर है भाई साहब, अभी फर्स्ट गियर में ही हम चल रहे हैं। ये देखो भुरभुरे पहाड़ हैं, ये बिल्कुल कभी भी यहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है। ये पत्थर देखो नीचे गिरे हुए हैं। ये देखो भाई साहब ग्लेशियर देखो, यहाँ पे कितना बड़ा ग्लेशियर, और यही पानी पैदा करता है सबसे ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग, लेकिन अभी तो कम है। ये वाटर क्रॉसिंग ये है जी, बलटाल सामने ये रास्ता जा रहा है अमरनाथ यात्रा के लिए, ये यहाँ से रास्ता जाता है। तो जोजिला पास का नज़ारे देख लो भाई, ये कुछ ही सालों तक हो रहेगा। ये देखो लैंडस्लाइड हो रही है, ये ऐसे लैंडस्लाइड होती है यहाँ पे, पत्थर कभी भी गिर जाता है और बारिश में तो स्पेशली। ये देखो कितना पत्थर गिरा हुआ है,
यही सबसे डेंजरस पार्ट है भाई साहब, यहाँ पे जानवर भी ऊपर से पत्थर गिरा देते हैं। ये देखो काफी पहाड़ काट रखा है, और ये एडवेंचर कुछ ही समय के लिए रहेगा क्योंकि जोजिला टनल का काम जोरों से चल रहा है, देखते हैं कब एक दो साल में बन के तैयार हो जाए। तो जोजिला पास को क्रॉस कर चुके हैं और पीछे है बालटाल का रास्ता, ये पीछे ये यहीं से जाता बालटाल का रास्ता, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तब ये यहीं से जाना पड़ता है बालटाल को, और नीचे कैंप लगते हैं। वो देखो वो सामने है, लेकिन अब दो बार से बालटाल में अमरनाथ की यात्रा नहीं हो रही है, ना पहलगांव से ना यहाँ से, ड्यू टू कोविड, इसलिए बड़ी परेशानी है लोगों को, भक्तों को बेचारे जो जाना चाहते हैं। तो इस समय बारिश हो रही है और सोनमर्ग यहाँ से जस्ट 12 किलोमीटर रह गया है, तो अब सीधे मिलते हैं आपको सोनमर्ग। ये देखिए ब्यूटी देखिए यार, सोनमर्ग की ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत है, और हम सोनमर्ग पहुँचने वाले हैं बज समय जो हुआ है 6:50, तो लगभग हम 10:30 के आसपास चले थे, 10:30 या 11 पता नहीं, 10:30 चले थे और 7 के करीब हम सोनमर्ग एंटर कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी स्पीड में हमने खींचा है, तो अभी डिसाइड करते हैं सबसे बात करके कि यहीं रुकना है या चलना है। ओहो ब्यूटी यार ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत। अभी 2 लगने हैं हमें श्रीनगर को, और जा सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर रीच्ड इन सोनमर्ग, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सोनमर्ग हम पहुंच चुके हैं। और ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये जाने दे रहे नहीं दे रहे, अभी रोका हुआ है कॉन्वे। पता नहीं बारिश के कारण रोका हुआ है, किस लिए रोका हुआ है, ये कन्वे पूरा रोका हुआ है जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए बारिश के कारण जोजिला में प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से अभी शायद नहीं जाने दिया जा रहा है। ओहो हो क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है, सोने पे सुहागा हो, बादल ही चारों तरफ से बादल बादल, क्या बात है यार क्या बात है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग, और यहाँ का व्यू यार इतना शानदार है पूछो मत, और अभी 6:40 हुए हैं, तो हम डिसाइड कर रहे हैं शायद हम श्रीनगर ही निकल जाते हैं, अभी समय बहुत है, तो मैं व्यू दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए व्यू यार कितना शानदार व्यू है चारों तरफ का, ये देखो सोने पे सुहागा है यार, ये देखो बहुत ही शानदार। तो अभी जैसा डिसाइड होता है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी समय बहुत है यार, अभी निकल जाते हैं श्रीनगर, 80 किलोमीटर के आसपास रह गया है, 2 लगने हैं हमें श्रीनगर में, जाके मस्ती करेंगे साला, कल आराम से उठेंगे 2 हमारे बच जाएंगे। तो अमित भाई आ रहे हैं, बस जैसे ही आ जाते हैं उनसे बात करके फिर आगे निकलते हैं। हम पहुँच चुके हैं सोनमर्ग जैसे कि आपको मैंने बताया था, और अब डिसाइड हुआ है कि हम जा रहे हैं अब श्रीनगर, श्रीनगर जो कि यहाँ से लगभग 80-85 किलोमीटर होगा। तो ये है सोनमर्ग, पहले हमने डिसाइड किया था सोनमर्ग रुकेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था जोजिला पास में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो हमें टाइम लगता, तो हम फिर यहीं रुक जाते। अभी तो पूरा दिन है, 1 रोशनी रहेगी जब तक हम काफ़ी करीब पहुँच जाएँगे श्रीनगर के। बहुत ही खूबसूरत सोनमर्ग, सोनमर्ग बहुत ही खूबसूरत है यार, और यहाँ पे टूरिस्ट ये स्पॉट है, एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट, यहाँ लोग बहुत ही टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ग्लेशियर देखने आते हैं, हम भी गए थे 2014 में ग्लेशियर देखने, यहाँ पे जीप लेके जाती है। श्रीनगर है 85, तो 85 किलोमीटर है श्रीनगर,
तो गए ये जोजिला वाली टनल यहाँ निकलेगी सोनमर्ग से सीधा जोजिला, और ये काफ़ी बड़े तेज़ी से काम चल रहा है इस टनल का। तो एक आध साल में ये टनल खुल जाएगी मेरे हिसाब से, तो हमें ये जोजिला को पार नहीं करना पड़ेगा जो इतना टफ होता है। सिर्फ बड़े ट्रकों को ही इसमें जाने दिया जाएगा। और ये ब्रिज आ गया सोनमर्ग का ब्रिज, और ये कैंपिंग साइट सोनमर्ग कैंपिंग साइट। जम्मू 375 श्रीनगर 81, अभी तो 85 था 81 हो गया। ये बारिश ने रोड की हालत खराब कर रखी है, और ये व्यू देखो यार पहाड़ पे। तो 7:18 हो गए, 15-20 मिनट हमें वेट करते हो गए, दो बार हमने वाले आधा एक घंटा हमारा खराब हो जाता है, नहीं तो हम और भी पहले पहुंच जाए। देख लो भाई लोग, यहाँ पे बादलों के अंदर से जा रहे हैं, पूरा धुंध बीच में से निकला था, अभी पूरे पहाड़ों के नीचे धुंध आ रही है। अब ये जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल अभी भी नीचे से आ चली गई है धुंध सारी, और ये बारिश मुझे लग रहा है एक दो दिन से कंटिन्यू हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी चिपचिपा मौसम हुआ पड़ा है, लेकिन ठंडा बहुत है, ठंड भी लग रही है। तो 60 किलोमीटर रह गया है श्रीनगर, और व्यू देख लीजिए, आत्मा तृप्त हो जाएगी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है सामने, नदी का फ्लो देखो कितना तेज है। तो गाइस पहली ब्रिज को हम क्रॉस कर रहे हैं, और अब गंदरबल, लगभग गंदरबल में एंटर कर रहे हैं। तो श्रीनगर यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर रह गया है, तो 22 किलोमीटर रह गया है, तो 42 मिनट दिखा रहे हैं गूगल भाई, और 8:30 बज चुके हैं इस समय। तो हम पहुंचने वाले हैं श्रीनगर, और हमने हाउस बोट बुक कराया है इस बार, देखते हैं कैसा रहेगा हाउस बोट का एक्सपीरियंस। गाइस 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 हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, और हम आए हैं लेह से डायरेक्ट श्रीनगर, जो कि तकरीबन 450 या 450 किलोमीटर है, और सुबह 10:30 चले थे, और रात को हम पहुंचे हैं यहाँ पे 9 बजे। तो कंटिन्यू राइड करी है हमने, और हाईवे मस्त मक्खन मलाई हाईवे है, कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ जोजिला से 10 किलोमीटर पहले वहाँ थोड़ा रोड ख़राब थी, और जोजिला पार करके यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है, सोनमर्ग से श्रीनगर पूरा 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रोड काफ़ी जगह से टूट फूट गया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई, 9 बजे पहुँच गए हैं, बस अब खाना पीना खाएँगे, और सुबह फिर अपना डल लेक थोड़ा घूमेंगे, और नत्थू स्वीट जाएंगे जो यहाँ का मशहूर है श्रीनगर का। तो भाई लोग हम हैं अभी हाउस बोट पे श्रीनगर, और ये है हमारा डिनर टाइम, और मैं दिखा देता हूँ हम क्या क्या खा रहे हैं। तो सबसे पहले हैं ये आलू, ये है राइस, ये है पनीर, और ये है दाल। तो ये सब आइटम हम खा रहे हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी, क्योंकि हमने आज लंच नहीं किया, क्योंकि भागा भाग रही है, हमने श्रीनगर पहुंचना था, पहले हमारा प्रॉब्लम सोनमर्ग पहुंचने का था, लेकिन टाइम से पहुंच गए, तो हमने सोचा चलो आगे खींच दो, तो श्रीनगर भी पहुंच गए हम। तो अब हम करते हैं अपना डिनर कम लंच।
तो उसके बाद हम सो जाएंगे। और अमित भाई, हाँ जी, मौज ले रहे हो? और ये जोगिंदर भाई कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन भूख बहुत जोर से लग रही है। चलो चावल पास कर खाते हैं। भूख बहुत तेज, सच में भूख बहुत तेज लग रही है। तो एट लास्ट दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद। और एक बात और, जो भी नया मेरा व्यूअर्स है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।